अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे न्यू चैनल PSX मास्टर्स को सब्सक्राइब नहीं कराया तो लाजमी ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना PSX मास्टर्स, तो ये कीवर्ड यूट्यूब पे लिख के सर्च करके ना आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आप लोगों को एक से लेकर दो कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल्स मिल रही है। और चैनल ना बेसिकली मैंने बनाया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को ना इस चैनल की वीडियो से ज़्यादा फायदा हासिल हो, और वीडियो को भी ना लाइक पर क्लिक कर दिएगा। और जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करते हुए ये तीनों ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स के लेवल्स भी देख लें और इनके टारगेट्स कौन से बनते हैं तो ये भी देख लें। इंडेक्स ने ना ऊपर जाने का आप लोगों को इशारा दे दिया और अब इंडेक्स ना 77 के लेवल पर मजबूती दिखा के इससे उठ के ना ऊपर पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, और बायर्स भी उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं, तो वो तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स में लोअर लेवल्स पर वॉल्यूम बन रहे हैं, इसीलिए क्योंकि लोअर लेवल्स पर ना बायर्स कंटिन्यूसली स्टॉक्स को बाय करे जा रहे हैं, जबकि स्टॉक्स ना ज़्यादातर बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो इसलिए कि इंडेक्स तो अपने लेवल सस्टेन कर रहे हैं 77 से लेकर 78 तक का, तो ये मजबूत इंडेक्स का लेवल है। लेकिन जो स्टॉक्स आप लोगों को अभी डिप पे मिल रहे हैं ना, तो आप लोग के पास बाइंग का बहुत ही अच्छा मौका है कि आप लोग अभी ना कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करते रहे लो लेवल्स पे, क्योंकि अब 23 से इंडेक्स आप लोगों को उठता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जो मैंने आप लोगों से कल की वीडियो में बात की थी ना, जिसका थंबनेल आप लोगों के सामने मैं स्क्रीन पर ले आता हूँ, तो थंबनेल भी सामने आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहे, तो अगर आप लोगों ने इस थंबनेल की वीडियो को वॉच नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को देखते हुए समझे, क्योंकि मैंने जिन कंपनीज के स्टॉक्स की आप लोगों को इस थंबनेल की वीडियो में बाय कॉल दी हुई है ना, तो वो स्टॉक्स ने इससे पहले भी लोगों को ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के प्रॉफिट्स अच्छे दिए, और अगेन आप लोगों के पास मौका है। लेकिन अब जब वो स्टॉक लो पे आके ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास ना मौका अच्छा है कि आप लोग लो पे उन स्टॉक को बाय करके ना हाई पे सेल करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसी मार्केट में काम कर रहे हैं, लो पे बाय करा हाई पे सेल करें। लेकिन अगर आप लोग कोई भी ऐसे बेकार डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते हुए स्टॉक को बाय करेंगे, तो फिर तो इन दी एंड ना लॉस आप लोगों को ही होगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि BCL का बताएं, बोलान कास्टिंग का, या इसके अलावा स्पेल का बताएं, वो ज़्यादातर ना इस तरह की ट्रेडिंग वाली कंपनीज के स्टॉक्स की लोग बातें कर रहे हैं, जो स्टॉक्स ना गिरे पे गिरे जा रहे हैं, यानी कि सपोर्ट लेवल ना उनका अभी कोई नहीं बन पा रहा। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट आप लोगों ने ठट्टा सीमेंट या फौजी सीमेंट या इस तरह के मजबूत स्टॉक्स बाय करे हुए, जिनकी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी, ठट्टा सीमेंट की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त तो वो ना लो पे ट्रेडिंग कर रहा था। अगर आप लोग लो से कंपेयर कर लें तो ठट्टा सीमेंट कितना तेज़ी से यानी कि बढ़ा, सिर्फ अर्निंग्स की बेस पर ठट्टा सीमेंट बढ़ गया। जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था ना कि बायर्स उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स ना उन्हीं कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो स्टॉक्स ना उन लोगों को देख के लग रहा है कि सस्ते मिल रहे हैं, वो ईफर्ट है, एग्रो कॉरपोरेशन है, या कोई भी कंपनी का स्टॉक है, ज़्यादातर लोग उन्हीं में एंटर हो रहे हैं जिनमें आने के वॉल्यूम लग रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स तो ना बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन अब जिस तरह से इंडेक्स ने इस लेवल पर आके दिखा दी है ना मजबूती, तो आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग इसी लेवल पर मजबूत स्टॉक्स को बाय करते हैं। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि अगर आप लोगों ने PSX विसागर को सब्सक्राइब नहीं कराया तो लाजमी ना आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आप लोगों को डेली बेसिस पे ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल्स मिलती रहती है, और मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को अपडेट्स ना दे रहा इसीलिए होता हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे शेयर्स बाय कर रखे हैं तो आप लोग ना अभी उनको सेल कर दें, वरना फिर ऐसा ना हो कि सेल करना आप लोगों को मौका नहीं मिले। मैं तभी तो कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों से सवाल भी कर रहा हूँ और आप लोग मुझे रेस्पॉन्स तो दे रहे हैं, अच्छा है। इसके अलावा लाइक पर क्लिक एक वीडियो को लाजमी कर दिया करें, जो कि आप लोग वॉच कर रहे होते हैं, ताकि फिर मुझे पता भी चल जाए कि कितने लोग ने मेरी वीडियोस को डेली बेसिस पे देखते हैं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे ना आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की ना बाय कॉल लेकर आऊँ, क्योंकि इंडेक्स में ना ये तेज़ी चलती रहेगी, यानी कि इंडेक्स में उठान इसीलिए रहेगी कि ज़्यादातर ना पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं, यानी कि हर तरफ से बेहतर खबरें आ रही हैं, और सही मायने में इंडेक्स है ना वो अब चलेगा खबरों की बेस पे, यानी कि जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी ना, तो उस तरह से इंडेक्स ना बढ़ता रहेगा। अब खबरें अच्छी आती रहेंगी जिससे कंपनीज़ की अर्निंग्स बढ़ेंगी, तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक्स बढ़ेंगे, तो अगर वो KC 100 के स्टॉक्स होंगे तो फिर तो इंडेक्स के पॉइंट्स भी ना बढ़ेंगे, यानी लोगों को उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है जिन कंपनीज ने ना लॉन्ग टर्म डेट्स और कर्जे कम लिए हुए। तो लॉन्ग टर्म डेट्स और कर्ज़ों की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को तीन ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दे रहा हूँ, इन कंपनीज ने लॉन्ग टर्म डेट्स बहुत कम लिए हुए, यानी कि तभी तो इनका शेयर जो है ना वो तेज़ी से बढ़ रहा है, इसीलिए क्योंकि कंपनीज़ ने डेट कम लिए हुए और इनकी अर्निंग्स बढ़े बढ़े जा रही हैं, इस तरह से कंपनीज़ ने एक्सपोर्ट्स कर रही हैं और तेज़ी से ना अपने बिजनेस को ग्रो कर रही हैं, तभी तो आप लोग PSX में भी ना बुलन इसीलिए देख रहे हैं कि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स ना और इंश्योरेंस सेक्टर्स, हाई वर्थ इंडिविजुअल्स, इन्हीं कंपनीज़ के स्टॉक्स में एंटर हैं। तो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ये स्टॉक ना अप ट्रेंड में है, और मुझे टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है कि अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं कराया तो अभी आप लोग बाय कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि आप लोग किसी बेकार शेयर को बाय करके फंसे। वैसे कि ज़्यादातर लोग ना मुझसे सवाल कर रहे हैं कि हमने WTL हो गया, कौसम है, सिल्क बैंक, BCL है, तो इस तरह के शेयर्स लोगों ने बाय करे हुए हैं, फिर वो इन दी एंड पूछ रहे हैं हम क्या करें, इनका सेल करें या होल्डिंग करें। तो जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है ना अपनी पिछली वीडियोज़ में, वो TOMC L है, GL है, साजगार है, कोई भी कंपनी का स्टॉक है, मारी है, तो ये सारे स्टॉक्स ना बढ़ेंगे, क्योंकि स्टॉक में ना उठान आती है अचानक, वो तो आप लोग खुद भी देखते हैं कि इस तरह से मारी तेज़ी से बढ़े, इस तरह से GL TOMC L ये तेज़ी से इसीलिए बढ़े क्योंकि एक लेवल पर ना आके इन कंपनीज़ के स्टॉक्स ने ट्रेडिंग करी है, वॉल्यूम बने, तो जैसे ही वॉल्यूम यानी कि ज़्यादा बन गए थे ना, जैसे कि 80 लाख की जगह 1 करोड़ शेयर का काम हो गया, या 1 करोड़ की जगह ना 1.5 करोड़ तक का काम हुआ, तो फिर तब वो स्टॉक तेज़ी से उठ गया और वो आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि उसको अपर कैप पे अपर कैप भी लगे। लेकिन अगर अब स्टॉक रेस्टेज एरिया पर आके हिट करके गिर भी रहे ना, तो वो सिर्फ
प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ज़्यादातर स्टॉक्स गिर रहे हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग सेल नहीं करेंगे तो कोई ना कोई स्टॉक को ना सेल करके प्रॉफिट को रियलाइज करेगा, तो वही मार्केट में आप लोग देख भी रहे चल भी रहे। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म है ना इन्वेस्टर्स, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है, तो फिर उनको ना आप लोग होल्डिंग करे रखें अगर आप लोगों ने बाय कर रखे, क्योंकि उनमें ना कोई मसला और ख़राबी ना पहले था ना अब है, क्योंकि उन कंपनीज़ के स्टॉक्स में ना कोई मसला और ख़राबी ना पहले था और ना अब है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से वो स्टॉक गिर रहे हैं, तो वो नीचे की तरफ आके ना मजबूती से कोई भी एक लेवल ना देख के उस पर ट्रेडिंग करेंगे और फिर उस पर ट्रेडिंग करके ना तेज़ी से रिवर्सल लेके उठेंगे, और फिर उठते हुए आप लोगों के पास मौका अच्छा होगा कि अगर आप लोगों ने बाय कर रखे हैं तो प्रॉफिट टेकिंग आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी कंपनी के स्टॉक में आप लोगों को लॉस भी हो रहा है ना, ऐसे कि ज़्यादातर लोगों को लॉस हुआ पैनी स्टॉक्स में या कोई भी ऐसे स्टॉक्स आप लोगों ने बाय करें जिनको आप लोगों ने फिर सेल करा, उन कंपनीज़ में ना आप लोग दोबारा मत करिएगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों को मजीद उन कंपनीज़ के स्टॉक्स में लॉस हो। लेकिन अगर किसी कंपनी के स्टॉक में आप लोगों का अच्छा रहा है ना एक्सपीरियंस, तो फिर आप लोग उसमें कर दें इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को टॉम सीएल की बाय कॉल देकर रेकमेंड करा हुआ, इसके अलावा मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है, अब उनमें वॉल्यूम लग रहे हैं तो उनको आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हैं। अगर मैं एक कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूं, तो मैंने आप लोगों को ना FFBL फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड की ना बाय कॉल देकर रेकमेंड करा था, उस वक्त तो वो ना लोअर रेट्स पर ट्रेडिंग कर रहा था, जिस तरह से टॉम सीएल ट्रेडिंग कर रहा था ना 20 से लेकर 22 रुपये के रेट्स पर, तो उस तरह से FFBL भी ना 20 से 22 23 रुपये के रेट्स पर ना ट्रेडिंग कर रहा था, और तेज़ी से ना फिर FFBL उठाए और फिर अपवर्ड ट्रेंड में गया, और अपवर्ड ट्रेंड में जाता हुआ ना कितने अच्छे यानी कि FFBL ने प्रॉफिट्स दिए। टॉम सीएल और FFBL दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ, तो सबसे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स तो आप लोगों को FFBL ने दिए, और मुझे बिल्कुल अभी टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है कि FFBL ने आप लोगों को मजीद तेज़ी से उठता हुआ प्रॉफिट्स और अच्छे दिएगा। लेकिन जितना आप लोग डिप पे तो लेकिन फिर जितना आप लोग डिप पे स्टॉक को बाई करेंगे ना लोअर रेट्स पे, तो उतनी जल्दी यानी कि बारी आप लोगों की आएगी, यानी कि उतनी जल्दी ना सेलिंग का मौका आप लोगों को मिलेगा। क्या आप लोग खुद भी देखते हैं कि वॉल्यूम जब स्टॉक में लगते हैं तो फिर कितने ज़बरदस्त यानी कि वॉल्यूम स्टॉक में लग रहे होते हैं, अब वो एयरलिंक को या इसके अलावा मारी पेट्रोलियम हो मुगल हो, तो ये सारे स्टॉक की तो मिसालें आप लोगों के सामने मौजूद है कि जब इनमें लगे हैं ना वॉल्यूम, तो फिर इनमें वॉल्यूम लगते चले गए लगातार और लगते हुए फिर वो स्टॉक कितना तेज़ी से यानी कि बढ़ा। कहाँ अगर मैं एयरलिंक की बात कर लेता हूँ तो 25-30 रुपये के रेट्स पे था, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से लेके अब तक कंटिन्यूसली इसकी बाय कॉल दे के रेकमेंड करता गया कि आप लोग एयरलिंक को बाय करें, तो अगर किसी ने बाय करा तो उसको तो प्रॉफिट्स ये स्टॉक ना अच्छी देगी, और जो टारगेट मैंने आप लोगों को एयरलिंक का दिया हुआ है तो ये टारगेट को अपने हिट करेगा, क्योंकि ये स्टॉक बड़ा इसलिए है कि मजीद तेज़ी इस कंपनी के स्टॉक में बाकी है, और आने वाला वक्त वैसे भी टेक्नोलॉजी का ये यानी कि टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में ना आप लोगों को मौके मिलते रहेंगे, तो टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स को ना आप लोग डिप बाय करके हाई पे सेल करने का ही मौका मिलेगा, तो इस तरह से पैसे ना आप लोग अच्छे कमाते रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता ना कि इंडेक्स के पॉइंट्स मजीद गेन नहीं हो पाते, इंडेक्स जैसे अभी रुक रहा है, तो इस तरह से इंडेक्स रुकता रहता है किसी भी लेवल पर आके, क्योंकि अगर मैं पिछली कुछ वीडियोस की बात कर लेता हूं तो मैंने आप लोगों को ज़्यादातर ना अपनी पिछली वीडियोस में उन्हीं कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है, मैं इसे लेकर दो थंबनेल भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ले आता हूं कि जिन्हें मैंने आप लोगों कहा कि इनमें ना बायर्स एंटर हुए, इनमें बायर लगे पीछे, तो फिर आप लोग उन स्टॉक्स को बाय करें जिनमें यानी कि वॉल्यूम लग रहे हैं। देखिए इससे ना साफ जाहिर यही हो रहा है कि बायर्स ना इनमें एंटर है, बायर्स कौन कौन से एंटर है, जैसे कि हाई वर्थ इंडिविजुअल्स है, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर है, तो ये लोग एंटर हुए उसी वक्त थे हाई वर्थ इंडिविजुअल्स, जब देख के लगा ना कि इंडेक्स के पॉइंट्स बढ़ लें यानी कि पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। लेकिन एक कंपनी के स्टॉक के ना ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए देखे इस कंपनी का स्टॉक का लाजमी ना बता दिएगा, हमने इसको बाय कर रखा है और ये ना बढ़ नहीं पा रहा है, इसका PSO, तो PSO का ना मैं आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूँ कि PSO की तो मैंने आप लोगों को लो पर बाय कॉल दी भी, यानी कि 140 रुपये से लेकर ना 160 रुपये तक के ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स है, और 165 रुपये के रेट्स पर भी ना आप लोग PSO को बाय कर सकते हैं 165 रुपये के रेट्स पर भी, तो ये पूरा इसका ना बाइंग जोन है, एक्युमुलेशन का फेस है। लेकिन आप लोगों को PSO को सेल नहीं करना, जो मैंने आप लोग कल की वीडियो बना के अपलोड करके बताया ना PSO का कि जो टारगेट इसका बनता है 200 रुपये तक का, ये मैंने आप लोगों को एयर एंड तक का टारगेट इसका दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल यहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी ना कोशिश कर रही है कि सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जे को भी ना कम करने की तरफ लेके जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर तो कंपनीज़ की अर्निंग्स बढ़ेंगी, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि शेयर प्राइस कंपनीज का तेज़ी से बढ़ेगा, तो फिर अगर आप लोगों ने वो स्टॉक्स बाय कर रखे हैं जिनका शेयर प्राइस तेज़ी से बढ़ेगा तो फिर तो प्रॉफिट जाहिर सी बात है कि आप लोगों को अच्छे होंगे। तो लेकिन किसी भी कंपनी के स्टॉक को ना आप लोग बाय करने से पहले मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच कर लीजिएगा, भले आप लोग एक देख लें, दो देख लें, या कोई भी 3-4 मेरी वीडियोस देख लें, प्रीवियस वॉच कर लीजिएगा 2 से लेकर 3, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में ना 15 से लेकर 20 कंपनीज़ के स्टॉक्स की समाप्त करते हुए बात कर रहा हूँ, 3-4 वीडियोस की तो बाय कॉल दी हुई है, तो अगर आप लोग वॉच करेंगे तो फिर तो इन दी एंड ना आप लोगों को आएगा समझ कि मैंने कौन से लेवल्स आप लोगों को बताए हुए, मैंने टारगेट्स कौन से आप लोगों को बताए हुए, क्योंकि जिस तरह से अभी एक सेक्टर की बात कर लेता हूँ और वीडियो को भी एंड करता हूँ और 3 आप लोगों को दिखाता हूँ स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस, तो फार्मा सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो कितने अच्छे फार्मा सेक्टर ने तेज़ी से बढ़ते हुए 2 से लेकर 3 दिन के अंदर गेन दे दिए, तो
फार्मा के स्टॉक्स में जगह बहुत खाली है, तो फार्मा के स्टॉक्स को भी ना आप लोग बाय कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं डॉलर के रेट की भी बात कर लेता हूं तो डॉलर भी ना अभी सस्टेन चल रहे हैं, 78-76 रुपए के रेट्स पे डॉलर जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अगर डॉलर का रेट गिरता है तो फिर फार्मा की अर्निंग जाहिर सी बात है कि बढ़ेंगी। तो फिर अभी जिन रेटों पर फार्मा के स्टॉक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो इन रेट्स पे ना फिर फार्मा के स्टॉक्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एजीपी की ना मिसाल आप लोगों के सामने मौजूद है। जैसे एजीपी का स्टॉक बढ़ा है, कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा था, 55-60 रुपए के एजीपी के रेट थे और 23 उठते हुए इसने न्यू हाइज लगाए और ऊपर से ऊपर गया। और जो टारगेट मैंने आप लोगों को एजीपी का दिया हुआ है ना 150 रुपए तक का, तो ईयर एंड तक या वरना फिर न्यू ईयर के स्टार्टिंग में एजीपी ना ये टारगेट हिट करके इससे ऊपर जाएगा, यानी कि 150 रुपए से ऊपर बढ़ेगा। क्योंकि अर्निंग्स में तभी तो स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़े जा रहा है। तो जो तीन स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, तो इन तीनों कंपनीज के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, बढ़ते हुए इनके रेजिस्टेंस एरिया कौन से बनते हैं, और अगर ये ऊपर से ऊपर निकलते हैं तो इनके टारगेट्स लॉन्ग टर्म कौन से बनते हैं। क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म की जो बात करता हूं ना, तो मैं आप लोगों से 6 से लेकर 8 मंथ या वरना फिर कम से कम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना 4 मंथ की बात कर रहा होता हूँ। तो लॉन्ग टर्म के हवाले से तीनों स्टॉक्स मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ, तो इन तीनों की स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। इसके लेवल तो वही चल रहे हैं, यानी कि 77 से लेकर ना 78-70, अब 8 से तो ऊपर पर इंडेक्स जा रहा है, यानी कि 79 तक तो आज के इनकी ट्रेडिंग में इंडेक्स दिया। तो और पॉसिबिलिटी है कि अब मंडे से ना आप लोगों का इंडेक्स 80 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं। तो जो तीन कंपनीज के स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूं, तो इनमें फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूं। तो फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है फिरोज सन्स लिमिटेड, इस कंपनी का स्टॉक का नेम है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। फिरोज की ना मैंने आप लोगों को इससे पहले ही बाय कॉल दी थी, लेकिन अब ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों के पास ना मौका अच्छा है। 306 रुपए के रेट्स पे ये आ चुका है और 306 रुपए से ये मजीद 23 से ऊपर निकल, तो जो फिरोज का बनता है ना रेस्टिंग एरिया, वो इसका बनता है 315 रुपए से लेकिन 318 रुपए तक का, क्योंकि 320 रुपए से ऊपर पे ना फिरोज ना निकल नहीं पा रहा था। तो फिरोज को आप लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये इस रेस्टिंग एरिया को भी ना ब्रेक करके इससे ऊपर जाएगा। इससे पहले भी आप लोगों को याद होंगे इसके हाई जब ये 400 पे ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि 418-420 रुपए ये इसके रेट्स थे, तो फिर ये 23 से नीचे की तरफ ना गिरता हुआ फिरोज सन्स जो है वो 128-130 रुपए ये रेट्स पे आके ट्रेडिंग करता था। लेकिन फिर जैसे जैसे के सी 100 बढ़ा है, तो अब ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को अगेन बाय करके ना प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। और जो मैंने आप लोगों को टारगेट इसका दिया ना, अगर ये 315 से लेकर 318 रुपए के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है, तो फिर ये 23 से ऊपर जाएगा, यानी कि फिर इसका बनता है एक रेजिस्टेंस एरिया, वो इसका बनता है 370 से लेकर 380 रुपए तक का फिरोज का। तो फिरोज को आप लोग बाय करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं, और ये स्टॉक विद वॉल्यूम्स बढ़ रहा है तो अर्निंग्स में है कंपनी, तभी तो मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा हूं, क्योंकि ये स्टॉक ना तेजी से बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट डबल कर सकता है। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूं, तभी भी फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है। लास्ट महीना आप लोग मेरी पिछली वीडियोज को देखे, मैंने आप लोगों को सिटी फार्मा की ना बाय कॉल देकर रेकमेंड करा था। उस वक्त सिटी फार्मा ने लो पर ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि 30-31 रुपए के सिटी फार्मा के रेट थे और वॉल्यूम भी इसके कम बन रहे थे, क्योंकि इसका रेस्टिंग एरिया बना हुआ था 28 रुपए का, ये इससे ऊपर जा नहीं पाते। लेकिन फिर तेजी से सिटी फार्मा आप लोगों को ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। मैंने आप लोग कंटिन्यूसली बाय कॉल में कहा कि इसका बना हुआ है 33.5 रुपए का रेस्टिंग, इस रेस्टिंग एरिया को भी ना ब्रेक करेगा। तो आप लोगों ने आज की ट्रेडिंग में देख लिया, तो सारे म्यूचुअल फंड्स ने ना इस कंपनी के स्टॉक में कर दिए इन्वेस्टमेंट, तो तभी तो ये स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ अपर कैप तक लगा इस कंपनी के स्टॉक को, और 1 करोड़ तक का काम हो गया। तो इस कंपनी के स्टॉक में ना बाइंग जनरेट हो चुकी है, और जिस कंपनी के स्टॉक में है बाइंग जनरेट, तो मैं तभी उस कंपनी के स्टॉक का ना आप लोगों को बता के रेकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को लो पर जो इसके 27-28 रुपए के रेट्स थे, तो इन रेटों पे बाय करा, तो अब तो ज़बरदस्त प्रॉफिट्स आप लोगों को ये स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ दिखाएगा। क्योंकि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इसके चार्ट्स को ये स्टॉक ना ऊपर से ऊपर जा रहा है, क्योंकि पहले बढ़ता है फिर गिरता है, फिर सपोर्ट लेवल कोई बना के उस रेट्स पे ट्रेडिंग करके एक्युमुलेट होता है, फिर तेजी से उठता है, फिर अपवर्ड ट्रेंड में जाता है। तो ये अप डाउन के अंदर ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ये डबल कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको बाय नहीं कराया, तो अगेन मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का नेम ले लेता हूं, इसका नेम है आगा स्टील। इनकी ट्रेडिंग में आगा को अपर कैप लगा, मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले इसकी बाय कॉल दी थी 8.5 रुपए से लेकर 9 रुपए के रेट्स थे, तो 1 रुपए का तो प्रॉफिट्स आगा स्टील आप लोगों को अच्छे दे गया। और वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ, तो वॉल्यूम इसमें अच्छे लगे, यानी कि 42 लाख तक तो काम हो गया शेयर्स का। तो अभी भी आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके इन्वेस्टमेंट्स डबल कर सकते हो, और अब पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को 1 से लेकर 2 मंथ के अंदर ना आगा स्टील, तो जो इसका रेस्टिंग एरिया बना हुआ है ना 16 रुपए से लेकर 16.5 रुपए तक का, तो ये इस रेस्टिंग एरिया को भी ब्रेक करके इससे भी ऊपर उठेगा। तो उठते हुए आप लोग इसको लाजमी बाय करें, क्योंकि अभी भी ये स्टॉक ने इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, अब इसमें बैंक जनरेटेड, मैं तभी आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि 45 लाख तक का तो काम होगी आगे स्टील में। तो ये था इन तीनों मजबूत कंपनीज के स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस, और लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोज़ को वॉच करें, और इस वीडियो को लाइक पर क्लिक कर दिएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।